यहाँ अभिनव शुक्ला कब तक छिपाते अपना दर्द। अब आखिर में जैसे ही सीजन अपने एंड पे है तभी अभिनव शुक्ला का एक इंटरव्यू सामने आता है और उसमें वो अपना दर्द बयां करते हुए नजर आते हैं। क्या कहा यहाँ अभिनव शुक्ला ने, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमने देखा कि स्टार्टिंग से ही अभिनव शुक्ला ने अपना अच्छा गेम खेला, एक बार भी वो एविक्ट नहीं हुए थे, ना ही उनकी कोई री एंट्री हुई थी। और ऐसे में जब उनका एविक्शन हुआ तो ये काफी शॉकिंग भी था। सोशल मीडिया पर भी काफी ये बवाल मचा था कि कैसे अभिनव शुक्ला को घर से बाहर कर दिया गया। लेकिन तब तक तो अभिनव शुक्ला ने चुप्पी साधे हुई थी। अब जैसे ही सीजन यहाँ खत्म होने को है, अब अभिनव शुक्ला ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपना दर्द यहाँ बयां किया है। जी हाँ, इसमें अभिनव शुक्ला का कहना ये है कि दुख इस बात का नहीं होता कि जनता मुझे घर से बाहर करती, इसमें अभिनव शुक्ला का दुख यही है कि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर किया है जो कि जनता के वोट के आधार पर घर से बाहर जा चुके थे। इसमें शायद उनका टारगेट है जैस्मिन भसीन, जान कुमार सानू। जी हाँ, ये दो कंटेस्टेंट ही ऐसे थे जो कि जनता के वोटिंग के आधार पर घर से बाहर गए थे और इनके वोटिंग के आधार पर बिग बॉस ने अभिनव शुक्ला को घर से बाहर किया था। तो यही दुख है यहाँ अभिनव शुक्ला को। देखते हैं आगे क्या होता है, बिग बॉस का विनर अब कौन बनता है, क्या अभिनव शुक्ला की वाइफ रूबीना दिलैक ही इस बार ट्रॉफी ले आती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद अभिनव शुक्ला का दर्द कहीं ना कहीं कम तो हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और बिग बॉस से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पाते रहिए सबसे पहले।